आज की यह वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, गारंटी भी दे रहा हूँ कि आपको यही सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे जो आज को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को महासंग्राम इसीलिए मैंने बनाया है क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी आने की संभावना है, और इस वीडियो में क्वेश्चन भी हैं और उसके उत्तर भी हैं, ताकि आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं है, उसका उत्तर भी है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर जो छात्र इस वीडियो को देखेंगे, वो परीक्षा देख कर आएंगे तो खुद ही बोलेंगे कि सर वाह, आपने जो वो क्वेश्चन बताया वही आए थे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी को वीडियो को शुरू करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, बीएस सेकेंड सेमेस्टर है। ठीक है, बीएस सेकेंड सेमेस्टर है, वर्ष 2024 का आप लोगों का पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहले तो मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि हिंदी का जो सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर आता है वो किस प्रकार का आता है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन और आंसर की ओर ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लीजिए, आपको पेपर इसी प्रकार देखने को मिलेगा, बी ए सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, वर्ष यहाँ पर 2024 लिखा रहेगा, सब्जेक्ट हिंदी होगा, प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन का पेपर का नाम होगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से होंगे, यही प्रश्न पत्र का नाम है, तो ध्यान रखेंगे। और आपको इसी तरह 2 घंटे का समय मिलेगा और 75 नंबर का पूर्णांक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आते लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो खंड आ में आपको आते लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है, और उसके लिए आपको कुछ यूनिवर्सिटी में 2 नंबर दिए जाते हैं, कुछ में 3 दिए जाते हैं। तो खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्यालय हिंदी के क्या उद्देश्य है, मतलब कि जो कार्यालय हिंदी इसके उद्देश्य बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। पद नाम का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता बहुत कम आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र ठीक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। टिप्पण लेखन की विशेषताएं, ये भी कई बार आ चुका है। प्रारूपण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। संक्षेपण, ये भी कोई क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं ही, ये आप सभी जानते होंगे। सुपर कंप्यूटर से जुड़ा कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जुड़ा भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य क्या है, साहित्यिक शोध किसे कहते हैं, इस फील्ड में भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएंगे खंड बा की ओर। खंड बा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनका उत्तर आपको करीब करीब 150 या फिर 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, कितने क्वेश्चन का आंसर करना, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, कितने शब्दों में उत्तर लिखना, ये सारी जानकारी है, पढ़ लीजिएगा। तो लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है बहुत ही पॉपुलर है कि समान हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में डिफरेंस क्या, यानी कि अंतर क्या। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 101% हमेशा आता है प्रश्न, और इस बार भी आएगा। जो सामान्य हिंदी होती है जो आप लोग पढ़ते हैं, और कार्यालय हिंदी होती है जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं या फिर बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं उसमें कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में संबंध बताना है, प्लस डिफरेंस भी तैयार कर लेना, यानी कि अंतर। क्वेश्चन फंसेगा 100% तय है, नोट कर लीजिए अभी के भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पारभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है। तो ठीक है, शब्दावली से भी जुड़ा क्वेश्चन एक आधा आएगा, चाहे वो लघु उत्तरी में आए, चाहे लघु चाहे दीर्घ में आएगा, जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही वाला आ जाए आपका। ठीक है, वर्तमान समय में पारभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है, लेकिन शब्दावली से जुड़ा क्वेश्चन एक पक्का आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक अच्छे पत्र की विशेषता बताइए, एक अच्छा लेटर अगर आपको लिखना तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में लिखना है। अलग क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। विज्ञापन का मतलब आप लोग समझते हैं जो ऐड मूवी पे जो ऐड आते हैं, मतलब कि जो आप टीवी देखते हैं तो उस पर बहुत सारे ऐड आते हैं, मोबाइल भी देखते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐड आते हैं, कुछ भी आप लोग वीडियो प्ले करते हैं, कुछ मूवी देखते हैं उसमें ऐड आते हैं। ठीक है, तो उसी विज्ञापन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा विज्ञापन का मतलब आप जानते हैं, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अपने प्रचार प्रसार के बारे में लोग इसको जान सकें, इसको बार बार खरीद सकें। ठीक है, इसलिए ऐड लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका परिचय लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फिलहाल इस सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने तैयार किया जो कि अभी आपको मिलने वाला है, लेकिन जान लीजिए पहले कौन कौन से प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हुए और कैसा पेपर होता है। ठीक है, पल्लवन का आशय स्पष्ट करते हो उसकी परिभाषा दीजिए, भी कई बार आ चुका प्रश्न। कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में शिक्षण की क्या स्थिति, इसके बारे में भी आप तैयार कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इन सभी का उत्तर भी मैंने तैयार किया जो कि अभी आपको मिलने वाला। आप खंडसा में आ जाएंगे, खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर देखने लगा है।
कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय भी कई बार आ चुका है, सरकारी पत्र किसे कहते भी कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा में सोशल, ठीक है, हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया, मीडिया की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिला के ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर की ओर, और इनके अलावा अन्य भी क्वेश्चन हैं और उसके आंसर है जो कि मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन की ओर और उसके उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पल्लवन क्वेश्चन आएगा, पल्लवन की परिभाषा दीजिए, तो आप लिखेंगे उत्तर इसका कि परिचय भाव पल्लवन का जो अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना, मतलब पल्लवन का जो अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना, इसमें किसी व्यक्ति, ठीक, किसी व्यक्ति वाक्य सुक्ति कहावत, ठीक है, लोक्तियाँ आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम लोग पल्लवन करते हैं। तो सिंपल सा इसका मतलब यही हुआ, किसी जो भाव होता है उसका विस्तार करना, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना, बताना, यही होता है पल्लवन का अर्थ, ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी यहाँ पर दे दिए, कहावत सुक्ति, ठीक है, वाक्य, ये सब। पल्लवन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर पल्लवन भाव पल्लवन का अर्थ था, ये पल्लवन की परिभाषा है, ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय या विचार का विस्तार, इसके अंतर्गत भाव या विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, लेकिन लेखन की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं, मतलब कि पल्लवन का जो सिंपल सा अर्थ है वो किसी भी विषय को, किसी भी विचार को डिटेल में एक्सप्लेन करना या डिटेल में विस्तार में जानना। और इसके अंतर्गत भाव, यानी कि कोई भी भाव होता है, कोई विचार होता है, उसका जो मतलब होता है, उसका अर्थ यानी कि स्पष्ट किया जाता है, लेखन यानी कि जो लिखता है उसकी, इस प्रक्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं, ठीक है। तथा वृद्धिकरण, विषादीकरण और संवर्धन भाव विस्तार आदि पल्लवन के, ठीक है, अन्य नाम हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। जब किसी विचार को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है या उसे सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि उन पंक्तियों को व्याख्यित किया जाए ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके, मतलब कोई चीज़ हो उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय, ई पाठशाला जिसको आप लोग बोलते ई शिक्षण, ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। इसी तरह प्रश्न आ सकता है, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ई पाठशाला की वेबसाइट पर कक्षा 1 से 12 तक की NCERT की बुक्स अपलोड कर दी गई हैं। ई पाठशाला एक वेबसाइट जिसके माध्यम से जो स्टूडेंट है यानी छात्रों के लिए कक्षाओं ने ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में एक वैकल्पिक अवतार लिया है, इसके माध्यम से शिक्षा घरों घरों तक जाने लगी है। मतलब कि ई पाठशाला एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जारी की गई है, जिसके अंतर्गत यानी जिस वेबसाइट पे आप लोग एक से लेकर कक्षा 12वीं तक के NCERT की सभी बुक जो है वो अपलोड कर दी गई हैं, ताकि 1 से लेकर 12वीं तक के बीच के जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई ई पाठशाला वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं, और ये शिक्षा घर घर तक पहुँचनी चाहिए, इसी के उद्देश्य से इसको लागू किया गया है, फिर ये लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय। अगला कि अधिसूचना भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो अधिसूचना का जो अर्थ होता है वो विशेष सूचना होता है, ठीक है, अधिसूचना का मतलब कोई विशेष सूचना। सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्त अवकाश, ठीक है, आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थ, इस प्रकार परिभाषा भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कि पॉडकास्ट से आप क्या समझते हैं, फिर पॉडकास्ट से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, उत्तर है आप लोगों की समझ, बाकी आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र या फिर ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग सरकारी विभाग यानी कि सरकारी जो दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं, इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे सरकारी पत्र के बारे में बेसिक परिचय, जो कि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे।
आवेदन पत्र किसे कहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आवेदन पत्र की परिभाषा लिखेंगे, आवेदन यानी कि एप्लीकेशन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को ही लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता या अनुकूल कार्यवाही की प्रार्थना की जाती है, जिसको हम लोग आवेदन पत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी और समान हिंदी में अंतर बताइए या फिर डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था, कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, समान हिंदी का प्रयोग संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें सामाजिक अपने राग, द्वेष, आक्रोश, राष्ट्र प्रेम आदि, ठीक है, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह के सभी व्यक्तियों को आवश्यकता अनुरूप प्रयोग में लाता है। लेकिन जो कार्यालय हिंदी है, इसका संबंध सामाजिक की संवेदना हो या भावनाओं से नहीं होता, मतलब कार्यालय हिंदी का संबंध जो सामाजिक या फिर समाज की संवेदना या भावनाओं से नहीं होता, ना ही वह सामाजिक के विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करती है। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे समान हिंदी और कार्यालय हिंदी के बीच। विज्ञापन यानी जिसको मैंने ऐड बोला था उसका उत्तर है, ठीक है। ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था तो उसी का उत्तर है, तो ध्यान सुन लीजिएगा। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, फिर विज्ञापन किसे कहते हैं, जिसको एडवर्टाइज या फिर ऐड बोलते हैं इंग्लिश में। उत्तर लिखेंगे, किसी प्रोडक्ट के बेचने या किसी सेवा के संबंध में लोगों को दी जाने वाली सार्वजनिक विज्ञापन कहलाती है, मतलब सार्वजनिक जानकारी जो दी जाती है उसको विज्ञापन कहा जाता है। किसी प्रोडक्ट के माध्यम से या फिर कोई सर्विस के माध्यम से किसी चीज़ को लोगों तक बताया जाता है, या उसको जागरूक करने के लिए, या फिर उसको दिखाने के लिए, या फिर वो मजबूर हो जाए खरीदने पर, या फिर वो सर्विस लेने पर मजबूर हो जाए, इसलिए बार बार ऐड दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन शब्द दो शब्दों का समरूप है, वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सार्वजनिक सूचना, ठीक है, यानी कि विशेष सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसमें ग्राहक को कुछ खरीदने या बेचने की लिए, ठीक, बेचने को प्रेरित किया जाता है, भाई बताया जाता है कि आप खरीद सकते हैं और आप बेच सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप इसी प्रकार परिचय लिखेंगे विज्ञापन के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र या फिर अर्ध शासकीय पत्र। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी आवश्यक काम की और संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकर्षित कराना हो, कोई आपको जरूरी लेटर देना हो या फिर कोई बात कहनी हो, ठीक है, तब किसी भी अधिकारी को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करना हो, या फिर आपकी जो बात है वो आपको उसको बतानी है तत्काल में, ठीक है, ओके, आकर्षित कराना हो, सरकार के किसी आदेश का परिपालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अवलंब लेना हो, तब अधिकारी जो पत्र है वो भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कि प्रेस विज्ञापन का क्या अर्थ है। प्रेस विज्ञापन जब आप कोई न्यूज़पेपर देखते होंगे, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पेपर चलता है न्यूज़पेपर, तो उसमें साइड में आपने देखा होगा एक ऐसे ही बॉक्स में लिखा होता है प्रेस विज्ञापन, और उसमें क्या लिखा होता है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखा यही होता है कि किसी संस्थान, सरकार या व्यक्ति द्वारा किसी विषय अथवा बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें जिस माध्यम से सर्वसाधारण तक पहुँचाया जाता है उसे प्रेस विज्ञापन कहते हैं। संक्षेपण में प्रेस विज्ञापन जन सामान्य तक सूचना संप्रेषित करने का माध्यम है, मतलब प्रेस विज्ञापन के माध्यम से कोई गवर्नमेंट कोई योजना फिर कोई स्कीम या फिर कोई बात अपनी कहती है, ठीक है, तो वो प्रेस विज्ञापन के माध्यम से कहती है ताकि आम जनता जो जिसको जानना ज़रूरी है उस तक वो बात पहुंच सके। तो ये होती है प्रेस विज्ञापन, एक तरीके से नोटिस, ठीक है, जो आम जनता आम लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। अगला कि प्रारूपण भी कई बार आ चुका प्रश्न, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो प्रारूपण का जो अर्थ है पत्र का कच्चा अथवा अंतिम रूप, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रारूपण। किसी पत्र का प्रारूप तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। कार्यालय में प्राप्त किसी पत्र पर टिप्पण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उस पर जो निर्णय लिया जाता है अथवा जो आदेश दिया जाता है उसी के अनुरूप पत्र का उत्तर दिया जाता है। तो इस बार ध्यान रखेंगे प्रारूपण के बारे में, ठीक है। अगला है कि टिप्पणी या फिर टिप्पण किसे कहते हैं, ये दोनों पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले टिप्पणी के बारे में जानेंगे। किसी सुने गए अथवा पढ़े गए, ठीक है, संभाषण, वार्तालाप, पत्र, लेख, कविता, ग्रंथ आदि, देखे गए दृश्य तथा घटना पर अपना मत मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करना ही टिप्पणी कही जाती है, फिर टिप्पणी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। और अगला प्रश्न है कि टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताइए।
ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और पॉपुलर क्वेश्चन भी है, ठीक है। टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखेंगे, सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचार को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई मामला है, कोई बेटर है, तो उस पर या फिर कोई विषय है उस पर अपने विचार जो है वो संक्षिप्त यानी कम शब्दों में प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर बताए जाते हैं या फिर संक्षिप्त रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये होता है टिप्पणी के अंतर्गत। जबकि टिप्पण विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को अपनी बात कहना सुनना, जिसको संप्रेषित बोलते हैं, संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसे हरे रंग की नोटशीट पर ही लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक टिप्पणी मतलब कि टिप्पण और टिप्पणी पे अपना परिचय लिखेंगे, अंतर लिखेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसके बारे में सब लोग परिचित हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अर्थमेटिक तार्किक कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। और यही नहीं, कंप्यूटर से अनेक कई सारे फायदे हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बिजनेस पर्सनल या ठीक है बिजनेस पर्सन के लिए ही नहीं बल्कि ये छात्रों के लिए भी अति आवश्यक बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर आप जितना भी लिख देंगे कमी, कंप्यूटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेबर, आप जानते ही। अगला कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसके बारे में देख लीजिएगा सर, ठीक है। साल 1966 में भारत का पहला कंप्यूटर ISIJU विकसित किया गया, ठीक है। ISIJU कंप्यूटर को भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिलकर तैयार किया था, ठीक है। और ISIJU एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। तो इस प्रकार परिचय लिखेंगे भारत में बने प्रथम कंप्यूटर के बारे में। अगला कि कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं होती हैं? तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती है। पहली बात तो हाई स्पीड में काम करता है, मतलब शुद्धता के साथ काम करता है और अधिक से अधिक चीज़ों को स्टोर कर सकता है, सेव कर सकता है। और विश्वसनीयता होती है यानी कि विश्वास बहुत होता है, ठीक है। वर्सा टिलिटी होती है, ये भी बहुत बड़ा विशेषता है। डिजिलिफ होती है, ऑटोमेशन यानी कि स्वयं अगर आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो स्वयं चलने लगेगा, मतलब कि जो आप कहेंगे वो ओपन होता रहेगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट कैफे मतलब कि आपको इंटरनेट कैफे कहते हैं, इंटरनेट की परिभाषा तो सिंपल सा हम जानते ही हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आप लोग भी जानते होंगे इंटरनेट क्या है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार इस वीडियो में करीब करीब 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा लगी है तो ये पूरी की पूरी PDF में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप तैयार कर सकते हैं तो तैयार कर लीजिए, आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। ये पूरी की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम। तो ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का महासंग्राम PDF चाहिए, तो आपको तुरंत सेंड कर देंगे। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।